रनावत का सैंपल हुआ फेल और अब मुश्किलें आ रही हैं मुंबई वापस आने में। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। कंगना रनावत आज 9 सितंबर है, आज मुंबई वापस आने वाली है। आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से संजय राउत और कंगना रनावत के बीच में जो मतभेद चल रहे थे जुबानी तरीके से, उस पर ये चुनौती थी आज मुंबई आने की। लेकिन इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि कंगना रनावत ने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, जिसके लिए उन्होंने सैंपल दिया था, लेकिन उनका जो सैंपल है वो जांच के दौरान जो है वो फेल हो गया। इस बात की पुष्टि खुद डॉक्टर्स ने भी की है और उन्होंने कहा, हिमाचल के डॉक्टर्स का कहना है कि जब सैंपल को अगर सही तरीके से नहीं लिया जाता है तो वो जांच के दौरान जो है वो ठीक से काम नहीं करता है और वो फेल हो जाता है, और इस बात की पुष्टि भी की गई है। अब आपको बता दूं यहाँ पर कि कंगना को फिर से एक बार कल यानी कि बुधवार के दिन पर अपना सैंपल देना पड़ेगा और वापस से टेस्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दूं रंगोली ने भी ट्वीट करके कहा है कि इनके बाकी जो सहयोगी हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव, उनकी जो कोरोना रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, लेकिन उसके बावजूद भी कंगना को अपना सैंपल देना पड़ेगा बुधवार के दिन पर और वापस से टेस्ट करवाना पड़ेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कंगना आज ही के दिन मुंबई आएगी या फिर इसमें देरी हो सकती है। आपको बता दूं अगर कंगना आज ही के दिन आती है तो उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है, और जिसके अंदर 2 कमांडर और 11 पुलिस, टोटल जो है 11 कमांडर की एक टीम बनाई गई है, जिसमें से 2 कमांडर हैं और बाकी के पुलिस कर्मियां हैं। आपको बता दूं यहाँ पर कि अब लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कंगना यहाँ पर लैंड करती है या नहीं, इस बात का इंतजार रहेगा। खैर, आप लोग का क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में राय रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।